इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। ऐसा लगता है मैं अपना होशो हवास से खो बैठी हूँ। मेरा खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहा। आज जो कुछ भी इस आश्रम में हुआ, मैं सोच रही हूँ क्या वो सही था? कुंती जी, बिल्कुल ठीक था। बहुत अच्छा किया आपने, बिल्कुल ठीक। अरे ये काम तो आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था। आप ठीक कह रहे हैं हिम्मत जी, हमें नहीं पता था कि वही आदमी है जिसने कुंती की जिंदगी बर्बाद की। ऐसे आदमी के साथ तो इसी तरह पेश आना चाहिए कुंती। ऐसे लोग ही हमारी मासूमियत और भोलेपन का फायदा उठाते हैं। कुंती जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अपने किए पर पश्चाताप हो रहा, आप दुखी हो? बिल्कुल नहीं। जब आज तक उसे अपने किए का पछतावा नहीं तो फिर मुझे क्यों? इतना भ्रष्ट, इतना निष्ठुर, इतना छलछंदी आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा। अजीब आदमी है। इतना सब कुछ करने के बाद उसके अंदर साहस कैसे हो गया कि वो आपका सामना करे? और जब मौका था तो धुम दबा के भाग गया। उस दिन का ही गुस्सा है जो उसे देखते ही मैं बेकाबू हो गई, वरना तो मैं उसके सामने आना भी पसंद नहीं करती। थप्पड़ मारना तो दूर की बात है कुंती, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ, वो तुम्हारा ये थप्पड़ जिंदगी भर नहीं भूलेगा। रमा, वो कुछ याद रखे या न रखे, लेकिन अब मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं। जब वो मुझे पहली बार छोड़कर गया था ना, तब भी मुझे इतनी तकलीफ नहीं थी, लेकिन इस बार उसकी वजह से मेरा कर्ण मुझे मिलते मिलते रह गया। उसने मुझसे वादा किया था और वादा करके उसने मुझे धोखा दिया। इस बात के लिए मैं उसे जिंदगी भर माफ करने वाली नहीं हूं। इस बात के लिए तो उसे हनुमान जी भी माफ नहीं करेंगे। उसने जितना आपको सताया है ना, जितना रुलाया है ना आपको, उसे इन आंसुओं की कीमत चुकानी होगी। कुंती, जो धोखा देता है वो खुद भी धोखा खाता है। उसने तुम्हारे साथ बुरा किया तो क्या वो सुखी रह पाएगा? वो सुखी रहे या ना रहे माया, लेकिन उसकी वजह से मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया है। उसने मां की ममता तक का ख्याल नहीं किया। उसकी वजह से मैं अपने बच्चे की एक झलक तक पाने के लिए तड़प कर रह गई। कुंती जी, बहुत अच्छा किया आपने जो उससे सवाल कर लिए, वरना ये सवाल मुझे उससे करने पड़ते। मैंने कसम खाई थी कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे उससे जो कुछ भी कहना सुनना था वो मैं कह चुकी हूं, और आज के बाद मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे संबंध में उससे कोई भी बात करे। हिम्मत जी, आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा। ऐसे इंसान से मेरा रिश्ता तो कोई है नहीं जो मैं जाऊंगा उससे बात करूंगा, पूछूंगा, मिलूंगा। अरे मैं तो आपकी तकलीफ देखकर जाता था उससे मिलने, बात करने, ये जानने कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। आज के बाद मैं क्या उससे, वो खुद मेरे सामने आने से कतराएगा। ऐसे आदमी को शर्म तक नहीं आती? मेरे अंदर उसे लेकर जो बातें भरी हुई थी, आज उसे सुनाकर मैं काफी राहत महसूस कर रही हूं।
अब मुझे उससे कोई वास्ता नहीं, वो मेरे लिए मर चुका है और मैं उसके लिए। हनुमान जी, कुंती जी को उनका बेटा वापस दिला दो, अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए, दिला दो प्रभु। डॉक्टर साहब, अब तो चैन पड़ गया ना, मिल गई तुम्हें तसल्ली? तुम्हें मेरे चैन, मेरी तसल्ली की फिक्र कब से होने लगी? क्यों, मन को थप्पड़ मारकर और कुंती से थप्पड़ खिलवाकर तुम्हें चैन नहीं मिला? क्या तुमने मेरे बेटे को इतना गया गुजरा हुआ समझा है कि वो तुम बाप बेटी के थप्पड़ खाता रहेगा? तो उसने ऐसा किया है रचना कि उसे थप्पड़ नहीं, जान से मार देना चाहिए। गजेंद्र, मन की जान इतनी सस्ती नहीं है, वो मेरा बेटा है, ये बात भूल गए हो क्या? वो आज तक बचा हुआ ही सिर्फ इस वजह से है कि वो तुम्हारा बेटा है, वरना मैं उसे और अच्छी तरह समझा चुका होता। बस डॉक्टर साहब बस, ये मत भूलिए कि मन का खून गर्म है, अगर उसने थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे दिया तो मुझसे आकर कुछ मत कहिए। वो अब तक सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है तो सिर्फ मेरी वजह से, और उसकी वजह से मेरी बेटी को कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है उसका क्या? जो हो गया उसके लिए तुम्हारी बेटी कुंती ने मन को थप्पड़ मारकर क्या पा लिया? कुंती को तो बहुत पहले मन को थप्पड़ मार देना चाहिए था, वो अब तक चुप थी लेकिन उसने अपने बर्दाश्त के हाथ तोड़ दिया। ठीक किया उसने। आपको क्या लगता है कि थप्पड़ मारकर कुंती को मन या उसका बेटा वापस मिल जाएगा? रत्ना, कुंती को जरूरत नहीं है अपन की, वो उसकी परछाई से भी नफरत करती है। कुंती को समझाओ कि वो अपनी नफरत को काबू करना सीखे, मेरे बेटे को हाथ लगाए इतनी हैसियत नहीं है उसकी। इतना गलत काम करने के बाद भी इतनी अकड़ है तुम में? गलत और सही की बात तुम मत करो डॉक्टर विजयेंद्र, ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। अब तुम्हें मेरे मुंह से ये अच्छा लगेगा कि मैं जाकर पुष्पा को ये सारी बातें बता दूं? ऐसी गलती करने की कोशिश कभी मत करना बेटा, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जिसका तुम्हें अंदाजा तक नहीं। बेटे ने थप्पड़ क्या खा लिया, तिल में ला गई ना तुम, और तुम्हारे बेटे ने जो कुछ किया है सब भूल गई? नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूली। मन ने गलती की थी उसके लिए वो माफी मांगने कुंती के पास गया था। माफी मांगने से मेरी बेटी की खुशियां वापस आने वाली नहीं है रत्ना, उसने मन को थप्पड़ मारा, बिल्कुल ठीक किया। थप्पड़ तो तुमने भी मारा है गजेंद्र, अब तो उसे माफ कर दो। क्या उसे जिंदगी भर उसकी गलती की सजा देते रहोगे? जो कुछ भी हो गया है उसे भूलकर हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए, इस तरह तमाशे से तो हमारी बदनामी हो सकती है। तो अब क्या चाहती हो तुम? यही कि जिस तरह मैं तुम्हारी गलती, तुम्हारे गुनाह को बर्दाश्त करके खामोश हूं, उसी तरह तुम मन के गुनाह को बर्दाश्त करके खामोश रहो। अगर तुम बाप बेटी ने मन को सजा देने की कोशिश की तो मैं भी तुम्हें सजा दिलवा सकती हूँ, ये कभी मत।
हेलो हेलो पुष्पा, मैं बोल रहा हूँ मन। तुम? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पुष्पा पुष्पा प्लीज 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 फोन मत रखना, मेरी बात तो सुनो। मन, जब तक तुम मुझे उन 3 दिनों का जवाब नहीं दे देते, मैं तुमसे कोई भी बात करने वाली नहीं हूँ। पुष्पा देखो देखो, अपनी जिद छोड़कर तुम वापस आ जाओ। देखो मन, मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ, जब तक तुम मुझे ये नहीं बता दोगे कि तुम कहाँ गए थे और क्यों गए थे, मैं वापस आने वाली नहीं हूँ। पुष्पा मैंने तुमसे कहा ना कि मैं अपने दोस्त के घर गया था। दोस्त के पास जाने के लिए तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी मन? देखो पुष्पा, मैं मानता हूँ मैंने तुमसे झूठ बोलने की गलती की है। लेकिन क्यों मन, क्यों? पुष्पा मुझे लगा अगर मैं तुम्हें कहूंगा कि मैं अपने दोस्त के घर रुकने जा रहा हूँ तो शायद तुम मुझे जाने न दो। आज तक मैंने तुम्हें कभी भी कहीं भी जाने के लिए रोका है क्या? अब मैं अपनी गलती मान रहा हूँ ना पुष्पा, तुम मुझे इस गलती के लिए माफ नहीं कर सकते। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है मन, मेरे दिल को ठेस पहुँचाई है। मुझे अपने रिश्ते में वफादारी चाहिए थी, ईमानदारी चाहिए थी, और तुमने तुमने मुझे सिर्फ धोखा दिया है, मुझसे झूठ बोला है। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया पुष्पा, और तुम मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो, प्लीज वापस आ जाओ। देखो तुम्हारा इस तरह से घर छोड़कर चले जाना ठीक नहीं है। देखो मन, ऐसे हालात में मेरा तुमसे दूर रहना ही बेहतर है। ये क्या कह रही हो पुष्पा तुम? देखो माँ भी घर आ गई और वो भी बहुत परेशान है, अब तुम मेरी परेशानियों का और मत बढ़ाओ प्लीज। आखिर तुम चाहते क्या हो? सिर्फ यही कि तुम घर वापस आ जाओ। देखो इस तरह से तमाशा करने से कोई फायदा नहीं। क्या मैं तमाशा कर रही हूँ? तुम्हें बेवजह बदनाम कर रही हूँ? तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो पुष्पा, तुम इस बात को भूल जाओ। नहीं मन, मैं चाह कर भी इस बात को नहीं भूल सकती। अब तो तुम्हें खुली छूट है, कहीं भी आओ जाओ, कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो तुम्हारा ये आखिरी फैसला है कि तुम वापस नहीं आओगी? हाँ। तो ठीक है, मैं भी तुम्हें लेने आने वाला नहीं हूँ। देखता हूँ कितने दिन तुम अपने माँ बाप के घर रहती हो। तुम्हें क्या लगता है पुष्पा, मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? ये तुम्हारा भ्रम है, तुम बेवजह शक कर रही हो मुझ पे, और तुम्हारे शक का कोई इलाज नहीं है पुष्पा। तुमसे मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने दोस्त के घर गया था, वहां रुका था, तुम मानती क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। किसी एक बात को लेकर जिद पकड़ लेना तुम्हारी आदत बन गई है पुष्पा। मेरे कहे सुने पर अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो रहो वहां, मैं भी देखता हूं कि तुम कितने दिन वहां रहती हो। क्या कहा डॉक्टर साहब? वो क्या कहेंगे, सवाल उन्होंने खड़े किए हैं, जवाब तो हमें देने हैं ना। कुंती को लेकर तुमसे कुछ तो बात की होगी। मैं उनसे कुंती के बारे में बात करने नहीं गई थी, तुम्हारे बारे में बात करने गई थी। मैं उनसे पूछने गई थी कि कुंती ने तुम्हें थप्पड़ मारकर क्या साबित करना चाहा। इस थप्पड़ का जवाब तुम्हें दूंगा मां, सही मौके का इंतजार है। ये मौका हाथ से ना निकल जाए मन, इस बात का ख्याल रखना। डॉक्टर साहब के दिल में हम लोगों के लिए बहुत नफरत भर गई, और वो नफरत कभी कम नहीं हो सकती। नहीं मन, अगर इस नफरत को हम लोगों ने कम नहीं किया तो इसमें नुकसान हमारा ही है, और ये नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और उनकी नफरत को कम करने के लिए अभी मुझे और थप्पड़ खाने पड़ेंगे। वो छू कर भी तो देखें, ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ भी करते जाएंगे और हम चुपचाप सह लेंगे। अगर सीधी तरह से काम नहीं चला तो मुझे टेढ़ापन बहुत अच्छी तरह से आता है। ईंट का जवाब पत्थर से भी दिया जा सकता है। माँ, मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ गया है कि हम उन्हें ऐसा ही जवाब दें। नहीं मन, तुम्हें ऐसा लगता है लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया है। अभी उन्हें जो जवाब देना था मैं दे आई। मुझे तो ये डर है माँ कि बाबूजी कहीं अपना सब कुछ कुंती के नाम ना कर दें और हम पछताते रह जाएं। वो ऐसा नहीं करेंगे। ये तुम किस विश्वास पर कह रही हो माँ? तुम बस डॉक्टर साहब पर नजर रखो, उनके सामने इस तरह से पेश आओ कि अब तक जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तुम्हें बहुत पछतावा है। उनका भरोसा जीतने की कोशिश करो माँ। लेकिन
इतना सब कुछ होने के बाद वो मुझ पर भरोसा करेंगे? करेंगे, दिल से ना सही, मजबूरी से ही सही। तुम अपने व्यवहार से ऐसे हालात पैदा कर दो कि वो तुम पर भरोसा करने के लिए मजबूर हो जाए। ये इतना आसान नहीं है माँ। इतना मुश्किल भी नहीं है, तुम कोशिश करो, मैं हूं ना माँ। लेकिन मुझे तो उनके सामने जाते ही बड़ा अजीब लगेगा। अब उनको कहीं गुस्सा आ गया, उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया, तो इसलिए मैं तो उनसे दूर ही रहना चाहता हूँ। ये तुम्हारी गलती है माँ, ये वो खेल नहीं है जो दूर रहकर खेला जाए। ये शतरंज की वो बाजी है जो आमने सामने बैठ के खेली जाती है, और ये बाजी हमें किसी भी कीमत पर जीतनी है। माँ, अगर उन्होंने आज के बाद हमें घर में ही नहीं घुसने दिया तो? वो ऐसा नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम दूसरा पासा देखेंगे। उनके हर सवाल का जवाब मेरे पास है। बस इतना समझ लेना माँ, इन जवाबों को देते देते कहीं हम खुद एक सवाल ना बन जाए। तुम उसकी फिक्र छोड़ो, पुष्पा के बारे में सोचो। क्या सोचो माँ, इतनी बार फोन करके उसे समझाने की कोशिश कर चुका हूं, लेकिन वो है कि उसका गुस्सा शांति नहीं होता। पता नहीं उसके माँ बाप ने उसे समझाने की कोशिश की या नहीं, कुछ भी हो पुष्पा का लौटना बहुत जरूरी है। कुछ दिन देखता हूं मां, नहीं तो खुद जाकर उससे बात करूंगा। उसका इस तरह गुस्से में जाकर मायके में इतने दिन तक रहना ठीक नहीं है।